गुड इवनिंग बीपीएससी सिक्सटी नाइन्थ भी प्रोबेबल uh, है उसका जैसा कि माना जा रहा है कि मई या जून में उसका पीटी होगा और उसमें उसके बाद फिर बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं वो काफी एक्टिव हैं और मुझे लगता है कि अपने रिटायरमेंट जो उनका दो साल का टेन्योर है बी में वो के दौरान वो तीन एग्ज़ाम को तो जरूर मुझे लगता है कि सेटल करके जाएंगे सिक्सटी को सिक्सटी को और सिक्सटी को जो 69 के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं जो भी लोग बीपीएससी का बीपीएससी में के माध्यम से बिहार में एक ऑफिसर बनना चाहते हैं वो और 67, 68 में उनके साथ कोई अगर दिक्कत है एलिजिबिलिटी नहीं है तो 69 पे फोकस करिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है 69 के लिए जो तैयारी का पैटर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अभी के टाइम पे जैसे अभी मैं नीचे बैठा हुआ था तो एक बीटेक एक लड़की थी ठीक है वो आई मैं देखता था कि थोड़ी साई नेचर की क्लास में बैठती थी और पी क्लास करती थी मुझे नहीं समझ में आता था कि ये पीटी क्यों कर रही है केवल पीटी क्यों कर रही है मेंस क्यों नहीं कर रही है बाद में पता चला कि आज आई तो बताइए कि सर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी उस समय हम केवल पीटी किए थे दो घंटा पीटी करते थे चार से छः उस समय पी क्लास चलता था अब तो तीन से छः चलता है ठीक है तो मैं करके चली जाती थी लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं साथ साथ मेन्स भी अगर कर ली होती दिल्ली मुखर्जी नगर में मैं रही रही थी तो दोनों क्लास कर ली होती तो आज जो सिक्सटी का पी देने के बाद जो मेरे सामने बिल्कुल मैं ब्लैंक हो गई हूँ मेरे पास पी तो मेरा अच्छा है लेकिन मेरा मेन्स बिल्कुल तैयार नहीं है ये गलती मेरी नहीं हुई होती अगर मैं नहीं करी होती तो आज मैं सिक्सटी सेवन के लिए भी बहुत कंफर्टेबल होती मैंने उसको अपने तरीके से जो भी समझा सकता था उसको समझाया उसको रोड मैप बताया अब सिक्सटी नाइन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल टाइम है अभी से मान लीजिए अभी अक्टूबर चल रहा है पंद्रह अक्टूबर मान लेते हैं मई में मई के लास्ट में अगर एग्ज़ाम होता है जो डेट आप कंफर्म कर लेंगे क्या डेट है बी ने क्या शेड्यूल में डेट दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग तो अभी से लेकर के मई तक का जो टाइम है ठीक है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई करीब करीब सात महीने का टाइम है सात महीना पीटी की के तैयारी केवल नहीं किया जा सकता है ये बिहार में बहुत बड़ी भूल होती है पीटी टी के सात महीना पीटी और उसके तीन महीना उसके बाद मेन्स का, का के लिए सिर्फ तीन महीने का टाइम मिलेगा तो सात महीना पीटी और तीन महीना मेन्स ऐसा तो होता नहीं है कि एक बार पीटी निकलता है एक बार मेंस निकलता है एक बार इंटरव्यू होता है एक ही बार में सब होता है तो हम क्यों नहीं इस सात महीने में सात महीने में जो हमारे पास टाइम है जो हमारा कोचिंग का टाइम है उसको हम दो पार्ट में बांट लें एक पार्ट पीटी के लिए एक पार्ट मेंस के लिए ठीक है मेंस में पहले जीएस का पीटी पहले पीटी जो कि जीएस का 150 क्वेश्चन का है प्लस मेंस के जो दो पेपर हैं इसको हम खींच ले आगे की तरफ चार पाँच में, पाँच महीने तक खींचते रहें पीटी और मेंस को इसका फायदा क्या हो जाएगा आपका मेंस तैयार हो गया आपका पीटी तैयार हो गया और उसके बाद लास्ट का जो दो महीना होगा फिर उस पर पीटी चले जाएंगे सौ परसेंट निकलेगा ठीक है इधर मेन्स भी तैयार है पी का एग्जाम देने के बाद इस बीच में कहीं टाइम मिलता है तो आप चाहें तो ऑप्शनल भी अपना एक ऑप्शनल को भी तैयार कर सकते हैं और फिर पीटी देने के बाद सिक्सटी नाइन्थ का पीटी देने के बाद आपका जीएस भी तैयार रहेगा मेंस का आपका ऑप्शनल भी तैयार रहेगा रिवीजन करके आप एग्जाम लिखेंगे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मेन्स दे करके आप एक चांस में अधिकारी बन सकते हैं तो सिक्सटी के लिए सफिशियंट टाइम है कोई अगर अभी से तैयार हो जाता है सिक्सटी को लेकर के लीजर माइंड में नहीं आता है कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है अगर कंफर्टेबल तरीके से तैयारी करके और सिक्स नाइन्थ को पहले ही फर्स्ट एग्जाम को हुई ही को ही अगर, अगर अपना लास्ट एग्जाम बनाना चाहता है तो वो आराम से सिक्स नाइन्थ को क्लियर कर सकता है जो हमने उसको रोड मैप बनाया है आस्था ही इसका जहाँ भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो जो यूट्यूब पर नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप कॉल करके आप जानकारी इन्फॉमेसन ले सकते हैं थैंक यू